हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। AEES यानी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट आई है, आई रिपीट, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। तो इसकी सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ PRT रहेगा। इसके अलावा आपको TGT PGT की भी सिलेबस की डिटेल्स दे दी जाएगी, उसका भी PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा और वीडियो भी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप PRT के सिलेबस को अगर देखोगे तो ये KBS के सिलेबस के की तरह आपको ये दिखेगा। सबसे पहले आप देख लो, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से देख सकते हो आप, जनरल नॉलेज को जो टॉपिक आपका है वो देख लो आप। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स आपका ये रहने वाला है। आगे देखो, टीचिंग मेथडोलॉजी यानी कि TM हो गया, और TM यानी कि जिसे आप CDP समझ लो या फिर आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो बोलते हो वो पूछा जाएगा। इसके अलावा हायर सेकेंडरी लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि +2 तक का सिलेबस आपसे NCERT और CBSE का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको NCERT के क्लास 8 से लेकर 12 तक के सारे चीज़ों को पढ़ लेना होगा। ये तो हुई PRT की बात। और टाइम आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने 2 घंटे 30 मिनट, और नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि जो टाइमिंग आपको है 100 क्वेश्चंस को बनाने के लिए, देखिए आपको 150 मिनट दिया जा रहा है। 2 घंटे 50 मिनट का मतलब वही हो गया। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे में आपको जो है 100 में से 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, आए या नहीं आए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। दूसरी बात, सारा पेपर जो है आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। अब आप पूछोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, तो देखिए इसके लिए आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। KBS के भी पेपर आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और प्रैक्टिस पेपर भी आपको इंक्लूड करके मिल जाएगा। आप 100 रुपीज़ में ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हो। ईमेल आईडी मैंने बता दी, यहाँ से आपको ईमेल आईडी भी दिख रहा होगा और इंस्टा आईडी भी दिख रहा होगा। जो तैयारी करने को लेकर सीरियस हैं वो ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, और जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है वो दूर रहें। थैंक यू सो मच, वीडियोज़ आती रहेगी।